बालाघाट लोकसभा सीट पर दिन भर चली भाजपा में उठापटक के चलते देर शाम को लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। भाजपा ने अपना प्रत्याशी के रूप में एक पार्षद को मौका दिया है। वहीं भाजपा में लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाली महिला भारती पारदी को प्रत्याशी बनाया गया है। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर भाजपा की चेहरा बदलने की प्रथा बरकरार रखते हुए सांसद ढाल सिंह बिसेन की टिकट काटते हुए नए चेहरे के रूप में भाजपा नेत्री व बालाघाट नगरपालिका पार्षद भारती पारदी को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बता दें कि उन्हें परिवार से राजनीतिक विरासत में मिली थी और बालाघाट लोकसभा सीट से सन 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टीज पार्टी से सांसद रहे भोलाराम पारदी की वह नाती बहू है। बता दें कि वर्तमान में बालाघाट नगर की वार्ड पार्षद है और लालबर्रा महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति की अध्यक्ष है। वहीं वह भारती पारदी जिला पंचायत सदस्य भी रही है। प्रत्याशी बनाया है, आप अधिकृत प्रत्याशी आपको कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा और मुझे आश्चर्य हो रहा है और मतलब अच्छा भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटी सी कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। सर्वप्रथम तो मैं आप सबके माध्यम से हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, बीएल संतोष जी का और सभी वरिष्ठों का धन्यवाद मैं देना चाहूंगी। साथ ही प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और माननीय वीडी भाई साहब का, हितानंद जी का मैं बहुत बहुत आभार कि जिनने मुझ पर विश्वास दिलाया। साथ ही हमारे जिले के सारे संगठन का, माननीय जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरी जी का, माननीय गौरी शंकर जी बिसेन का, हमारे चारों विधायकों का बालाघाट सिवनी, साथ ही हमारी वरिष्ठ जो हमारे जो मुझे हमेशा दिशा निर्देशित करती है आदरणीय लता दीदी का एवं रंगलानी जी का, सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था, इसीलिए ये सब कुछ संभव हो पाया। आप पार्षद है, एक देखा जाए तो छोटे कार्यकर्ता है भाजपा की और पार्षद भी है, उसके बाद में आपको एक बहुत बड़ा मतलब टिकट मिला है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के रहते ही ऐसे छोटे से कार्यकर्ताओं पर विश्वास वो जताते हैं। और मैं आपकी जानकारी बता दूं, इससे पहले मैंने जिला पंचायत का सदस्य रह चुकी हूं और वर्तमान में पार्षद हूं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्य किया हूं। हो सकता है शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। निकाय चुनाव के दौरान आपकी थोड़ी सी पार्टी में पार्षद भी है, उसके बाद में आपको एक बहुत बड़ा मतलब टिकट मिला है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के रहते ही ऐसे छोटे से कार्यकर्ताओं पर विश्वास वो जताते हैं। और मैं आपकी जानकारी बता दूं, इससे पहले मैंने जिला पंचायत का सदस्य रह चुकी हूं और वर्तमान में पार्षद हूं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्य किया हूं। हो सकता है शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। निकाय चुनाव के दौरान आपकी थोड़ी सी नाराजगी दिखी थी, तो क्या उसका प्रतिफल मिला है? भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, हम अपने परिवार में अपने पितरों को, अपने घर के बुजुर्गों को, माता पिता को ही अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, इसीलिए उन सबका आशीर्वाद मुझ पर मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भारतीय जनता पार्टी का देना चाहूँगी। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।